अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मुझे पता है मैं बहुत दिनों बाद पूरे एक साल बाद अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। बुलाकर इसमें मेरी गलती है, मैं इनएक्टिव था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सोशल मीडिया से इनएक्टिव था। मेरा एक और चैनल है जहाँ पर नजर आ रहा होगा, रिहान्स लाइफ के नाम से। बेसिकली मैं एक और चीज़ बता दूँ कि पूरा व्लॉग जो है, पूरा लाइक जो मैथड होगा, वो इस चैनल के बारे में नहीं है, वो रिहान्स लाइफ के बारे में। रिहान्स लाइफ जो मेरा चैनल था दूसरा, मैं पूरे साल में लाइक उस चैनल के ऊपर मेहनत करता था, बेसिकली स्ट्रीमिंग करता था, लाइक सारा कुछ था। तो अगर तुम लोग जानना चाहते हो कि मेरा फर्स्ट पे आउट कितना था, क्या था, तो लाइक पूरा वीडियो कैंट तक देखना, ठीक है। और सेकंड थिंग ये कि अगर कोई नया बॉय आ रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर कि तुम लोग जो लाल बटन है ना नीचे की नज़र आ रहा होगा, उसको लाल बटन पर क्लिक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब मुझे जिससे ऐसे आइडियाज आते रहेंगे ना तो मैं ब्लॉग भी बनाता रहूँगा। अब बेसिकली सीन पता क्या है, सीन कुछ इस तरह है कि मेरे ना अल्हम्दुलिल्लाह उस चैनल मेरा ख्याल एक साल हो चुका है, उनकी सपोर्ट की वजह से ना उस पर मोनेटाइजेशन ऑन हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है एक दो मंथ के अंदर मेरा एक जो पहला पे आउट था वो भी हो चुका था। मैं बेसिकली ना ऐसे स्टेप बाय स्टेप तुम लोगों को लाइक गाइड भी करूंगा कि किस तरह होता है, ठीक है, कि पूरा लाइक प्रोसेस मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो बताऊंगा। कोई गलती हुई तो प्लीज़ मुझे बता देना कि मैंने क्या गलत बताया था। तो बेसिकली सीन इस तरह होता है कि मेरा मोनेटाइजेशन मेरी ऑन हो जाती है, तो $100 ना आपकी आपका फर्स्ट पे आउट होता है कि आपके मिनिमम $100 होने चाहिए, ठीक है। तो वो भी मेरा कंप्लीट हो चुका था, मेरा ख्याल एक मंथ लगा हुआ जैसे था, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, तो उस चैनल पे तो लाइक इनसेन सपोर्ट है यार। तो इस चैनल को भी मैं ट्राई करूंगा कि कंटिन्यू रखूँ। बेसिकली सीन ही हुआ था कि वो जब चैनल मेरा मोनेटाइज हुआ ना, तो मेरा लाइक पे आउट बिल्कुल रेडी था। आई वाज लाइक यार चलो मैं अपने गूगल एडसेंस से ना पैसे निकलवाता हूँ, सारा सीन पे करूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। यूट्यूब आपको तब तक पैसे नहीं देता जब तक आपका बेसिकली जो फिजिकल एड्रेस है वो वेरीफाई नहीं होता। उसका क्या तरीका, उसका तरीका यह है कि यूट्यूब आपके जो एड्रेस आपने दिया था ना उसके ऊपर एक पिन भेजता है, पिन मतलब लाइक 2, 3, 4 जो भी कोई नंबर होता है वो भेजता है, जो कि आपने अपने एडसेंस के अकाउंट में डालना है। जब वो आप एडसेंस के अकाउंट में वो डालोगे आपके एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। तो उसमें मेरा ख्याल है कि मेरे 2 मंथ के अंदर अंदर वो पिन मेरे एड्रेस पे आया, मैंने वो डाला, मेरा सारा कुछ ओके हो गया, फिर मैंने अपना बैंक अकाउंट कनेक्ट किया। तो जब मैंने अपना बैंक अकाउंट कनेक्ट किया ना, तो उसमें कुछ इश्यूज ये थे कि मैंने पूरे एक साल के अंदर ना एक ट्रांजेक्शन भी नहीं की थी, तो मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक था। मुझे पता ही नहीं था इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता था, इजी पैसे जैस के इस यूज़ कर लिया, लेकिन बैंक अकाउंट यूज़ नहीं करता था। तो जब मैं गया हूँ, मुझे बैंक वालों ने बुलाया कि आपकी पेमेंट आई है, तो मुझे बैंक वालों ने कहा कि आपके ये इशूज हैं, आप ये क्लियर करें। मैंने लाइक अपने जितनी डॉक्यूमेंट्स थी, वो लाइक डोरमेंट अकाउंट होता है, उसको दोबारा से एक्टिव करना था, बड़ा टाइम लगा था उसके अंदर। तो वो मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स वो मैंने सारा फुलफिल कर दिया था, सब कुछ हो गया। अभी मुझे अभी मेरे ख्याल कोई 15 से 20 मिनट पहले ना कॉल आई है बैंक से कि मेरा अकाउंट एक्टिव हो चुका है, आपकी कुछ पेमेंट आई है, तो आए और वो पेमेंट अपनी रिसीव कर लें। तो लेट्स सी कितनी पेमेंट आई है, तो लेट्स गो। अच्छा अभी तक किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं ना किया, मेरी चप्पल उतारू स्ट्रीम में, उतार दो ना चप्पल। अच्छा जितने लड़के ना जो लाइक उस चैनल से आ रहे हैं, भाई लव यू बॉयज, ठीक है, तुम लोगों की वजह से हुआ है, लेकिन मेक श्योर कि तुम लोग ना इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ना बार बार ऐसे बूमर अंकल को बन जाओ। एनीवे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो बैंक चलते हैं, देखते हैं कितना रोकड़ा है, लेट्स गो। लेकिन ना बॉयज मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, लाइक बेसिकली जितने बॉयज तुम लोग उस चैनल से आ रहे हो ना यार, तुम लोग लव हो यार। मैं लाइक इमेजिन नहीं कर सकता था कि मुझे कभी इतनी सपोर्ट मिलेगी यूट्यूब के ऊपर, इतना लाइक मैं ग्रो करूंगा कि मेरा मेरी पहली इनकम आएगी। लाइक आई एम सो फकिंग प्राउड यार कि यार मेरी पहली लाइक यूट्यूब की इनकम है, वो मैं लेने जा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस। अगर तुम लोग देख रहे हो ना, तुम लोग बहुत कमाल हो यार, लव यू बॉयज। आई गेस 2019 की बात है, मैं ना जॉब्स करता था, तो मेरे बाबा ने मुझे कहा कि बस जॉब्स खत्म, ठीक है। वैसे मुझे लाइक मुझे शौक है काम करने का, मेरे बाबा ने मुझे कहा कि ना सिंपल है भाई, तुम ना घर बैठो गेम्स खेलो। मैंने कहा चलो ठीक है, अब्बा जी ने कहा गेम्स खेलो तो खेलो, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं ना अपनी पढ़ाई पर फोकस करूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। वो मैंने गेम्स खेलते खेलते ना इतना स्टार्ट किया, क्या कहते हैं लाइक गेम्स खेलते खेलते स्ट्रीमिंग स्टार्ट की। स्ट्रीमिंग पे भाई साहब मैंने देखा लाइक आवाम देख रही है, देखते 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 वो लाइक इतनी ऑडियंस बढ़ गई माशाल्लाह से। लाइक मुझे खुद को कभी कभी यकीन नहीं आता कि यार अभी मतलब लाइक अभी तुरंत देखोगे तो तुम लोगों के लिए वो कम है, लेकिन मैंने कभी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था अपने लिए। बात तो एडम वही आई थी ना कि मैं चलो खैर एनीवेज, वो तो तुम लोगों का यार, तुम लोगों का प्यार और कोई बात नहीं, ठीक है। सो अभी सीन तो जिस तरह का कि यार अभी हम लोग जा रहे हैं बैंक, ठीक है, बैंक जाते हैं, बैंक वालों से पता करते हैं कि भाई क्या सीन है, क्या है, क्या है भाई, क्यों बुलाया, ऐसा लग रहा मुझे। अच्छा लिटरली मुझे बैंक से कॉल आई, पता किसान ब्रांड बात कर जी, आपका अकाउंट एक्टिव हो गया, जल्दी से ज़रा बैंक आ जाए, आपकी पेमेंट भाई पेमेंट रिसीव कर ली, पेमेंट देनी थोड़ी है, क्या आराम से बात कर ले। भाई साहब बहुत रश है बैंक के बाहर, बहुत ज़्यादा रश, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा रश है बॉयज। अभी बैंक के बाहर बहुत ज़्यादा रश है, ठीक है। गार्ड आया, उसको मैंने कहा कि भाई जब मेरी बारी होगी ना मुझे बता दी, ठीक है, मतलब अपने लहजे में बोला ताकि बात समझ भी जाए, ठीक है।
तो मेरी बारी आएगी ना तो मुझे पता लग जाएगा। चलो बॉयस अपनी बारी आ चुकी है, ठीक है लेट्स गो। हाँ तो बॉयस हम लोग आ चुके हैं उसी जगह पे, ठीक है जहाँ पे लाइक पहले थे। बैंक से मैं आ चुका हूँ, रोकड़ा भाई की जेब में है। कुछ एक्सपीरियंस है जो तुम लोगों से शेयर करता हूँ, ठीक है। अच्छा भाई तुम्हें मैं एक और चीज बताता हूँ, मेरा एक दोस्त भी है साथ बट वो नहीं आना चाहता, कोई नहीं ये पीछे जो लिखा हुआ है इसको इग्नोर करो, ठीक है। जिस जगह पे पहले थे वहाँ पे आ चुके हैं। बैंक से अभी मैं हो आया हूँ, तो सीन कुछ इस तरह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम लोग की बात आता हूँ, लेकिन मैं बैंक में गया ना तो मुझे बंदे ने लग जो था मैनेजर था कौन था उसने मुझे बिठाया, तो ही वाज लाइक कि कहाँ से आए हैं पैसे। ऑब्वियसली वो डॉलर्स में थे ना, बाइट से आए थे, तो लाइक उसको वो क्यूरियस था कि भाई क्या सीन है। एक सिंगल तो वो लाइक ऑब्वियसली बैंक वाले तो उन्होंने तो पता करना था कि भाई कहाँ से आ रहे हैं पैसे ये वो, तो उसने मुझे बिठाया कहता कि ये कहाँ से आ रहे क्या करते हो आप। मैंने उसको लाइक थोड़ा ना मुझे लगा कि यार क्या पेंडा बंदा होगा उसको, मैंने कहा स्ट्रीमिंग का पता, कहता नहीं, मैंने कहा यूट्यूब का पता है, कहता हाँ पता है, मैंने कहा यूट्यूब से आए, कहता आप यूट्यूब पे क्या करते हो। लाइक मैंने बताया मैनेजर को ऑब्वियसली कि यार ये लाइव स्ट्रीमिंग होती है, यहाँ से पैसे आते हैं गूगल में आते हैं, फिर यहाँ से हम इस सारा ना प्रोसेस बताया, तो उसको ऑब्वियसली फिर पता लग गया कि भाई हाँ चलो ठीक है ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो ना मेरी तरफ देखी जाए तो ना। अच्छा मैं तुम लोगों ना एक चीज़ बताता हूँ जो मैंने लाइक पहली बार एक्सपीरियंस की। मैं बैंक में एंटर हुआ ना तो लाइक जब उनको पता लगा कि यार अच्छा यार इसके गूगल से पैसे आए हैं तो यूट्यूब से आए हैं, तो वहाँ पे ना एक वर्कर था जिसको पता था कि यूट्यूब का क्या क्राइटेरिया था, मुझे ऐसे देख रहा, मैंने कहा क्या हुआ, कहता आपके 1000 सब्सक्राइबर हो गए। मैंने कहा हाँ हो गए इस उस टाइम, मतलब अभी हमारे हैं कोई मेरे ख्याल 2.5 समथिंग सब्सक्राइबर वहाँ पे, तो वॉच टाइम भी पूरा हो गया। मैंने कहा हाँ हो गया वॉच टाइम। वो अच्छा वो पता कर रहा है ऐसे लग रहा है सिर्फ कोनी मारी वो इसको देगी इसका वो YouTube के पैसे आए यार इस लड़के के। लाइक वो ना लाइक मैं अभी मेरे सामने ये सब कुछ हो रहा है, वो एक एम्प्लॉय ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तीसरे ने वो जो क्या कहते हैं यार वो जो पानी देने आता है उसको बताया, वो लाइक पूरे ब्रांच में ये चीज़ फैल रही है यार ये देखो ये लड़के के पैसे। मैं इतना खुश, मैं कहा मुझे मेरे घर वाले मुँह नहीं लगाते हैं यहाँ पे इतनी इज्जत है। अच्छा सॉरी मजाक, अच्छा लाइक मजाक नहीं है, मजाक के अलावा बड़ी लाइक रिस्पेक्ट दे रहे। मैं आई वाज शॉक यार, आई वाज लाइक भाई बड़ी बात है। वो बड़ा ना लाइक इंप्रेस हो रहे थे कि यार ये तो बड़ी बात है इस लड़के के पैसे हैं। खैर खली वली वो लाइक सारा जितना भी था ना पेपर वर्क ये वो सर, क्योंकि मेरा अकाउंट मेरा बड़ा ईजी सीन था, मेरा अकाउंट डोरमेंट था तो मुझे काफ़ी लंबा प्रोसेस से आना पड़ा, ठीक है। तो अब आते हैं कि भाई कितने पैसे, ठीक है कितने पैसे। यार बात पता क्या, एक बड़े यूट्यूबर हैं ब्लैक बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने ना मुझे ये चीज़ बताई है कि कभी भी ना यूट्यूब की इनकम कभी किसी को नहीं बताते, तो मैं फिर भी बता रहा हूँ लेकिन एक रफ दे रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब आपने बोला गूगल पे सर्च करो यूट्यूब फर्स्ट पे आउट, ठीक है आप लोगों को आंसर आएगा $100। तो जो मेरी फर्स्ट पेमेंट थी ना वो $100 के आस पास थी और $100 से ऊपर थी, ठीक है। चलो काम करते हैं, $100 और $150 के बीच में थी बस। अब जो मैंने बीच में जो वर्ड बोला है ना बस खत्म, यहाँ पे बात खत्म। मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकता लेकिन समझ लो कि मैंने एग्जैक्ट अमाउंट बता दिया, बस समझ गए ना, समझदार समझ गए होंगे बस। चलो अब हमने पता क्या करना है, अब सीधा जो ये पैसे ना जाके हमने देने हैं अपने माँ बाबा को, ठीक है मैंने अपने बाबा मामा को देना है। मैंने ना ये चीज़ एक बॉय था उससे शेयर की थी, तो उसने मुझे बोला कि यार क्यों यार तेरी फर्स्ट पेमेंट आ रही है तो तू अपने पेरेंट्स को क्यों देगा। तो एक बात है जो किसी को पता नहीं होगी, मतलब मेरे बाबा ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया था ये जो इस चैनल के लिए, इस चैनल के लिए मेरे पास ना एक पीसी था i5 थर्ड जनरेशन, तो उसमें मैंने स्ट्रीमिंग वगैरह स्टार्ट की थी। तो सीन पता क्या था, जब मैंने स्ट्रीमिंग स्टार्ट की थी ना तो वो पीसी बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो पीसी उसका कार्ड भी फारग हो गया, उसका प्रोसेसर भी फारग हो गया, तो मैं इतना परेशान था यार मैं क्या करूँ। तो लाइक काफ़ी ना बैड सीन था, तो मैं लाइक काफ़ी मेरे ख्याल 3-4 हफ्ते मेरी ना लाइक उस टाइम तो मेरे ख्याल थे 300-400 सब्स, तो उस टाइम तो मेरे लाइक कोई यूट्यूब की इनकम कुछ भी नहीं थी। तो मुझे अच्छी तरह याद है बाबा ने ना मेरे पास आए कहते कि यार क्या मसला है, मैं अपने बाबा से कम मतलब पैसों की बात नहीं करता बस बहुत कम, पर उनको कहने के बावजूद मैंने बता दिया कि इस तरह मेरे बाबा ने लिटरली ना मुझे अपना वो जो था ATM कार्ड ऐसे दिया, उन्होंने कहा जितने पैसे ना जाके निकलवा लिए। सो मैं लिटरली गया, मैंने जिंदगी में पहली बार अपने बाबा के अकाउंट से ना मेरे ख्याल से 50,000 रुपीज़ निकाले थे, वो भी जस्ट इसलिए कि मैंने एक पीसी लेना था, वो पीसी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। सो भाई मेरे बाबा तो लाइक उन्होंने मुझे तब सपोर्ट किया जब मेरे पास लाइक कुछ भी नहीं था, मैं बंद कर सकता था स्ट्रीमिंग, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई चल ठीक है तू कर। तो भाई उस मेरा तो लाइक बनता है कि भाई मैं ये सिर्फ ना एक ये वो चीज़ नहीं थी, मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपके घर वाले सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते,
तो भाई मेरे ये जो एक चीज है ये इससे आपको पता लग गया होगा कि कितना सपोर्ट करते हैं। तो भाई मेरे अब तो फर्स्ट इनकम है, पता क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक सारों को मैं कहूंगा, तुम लोग अभी कोई लोग कोई बच्चे भी देख रहे हैं, अगर तुम लोग लाइक अर्न करना शुरू करोगे ना, तो तुम लोगों से तुम्हारा भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ना प्लीज प्लीज अपनी फर्स्ट इनकम अपनी मामा को देना या अपने बाबा को, दोनों में से किसी एक को जरूर देना, क्योंकि भाई जहाँ तक मेरा बिलीव है भाई बरकत पड़ती है, सीधी बात है, और उन्होंने मान लिया क्या क्या कुछ किया। सो अभी हम सिंपल सी बात है जाएंगे ये पैसे उनको देंगे, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, रिएक्शन रिकॉर्ड नहीं मैं करता, ठीक है, ऑकवर्ड बड़ा वो होता है यार, वो मोमेंट खराब होता है, ठीक है, वो फायदा नहीं उस चीज का। सो बॉयज एक दफा ना मैं एंड पे ना सब कुछ जो प्रोसेस है ना वो पूरा रिपीट करता हूँ, ताकि जो जो बॉयज कह रहे हैं ना कि उनको पता लगे कि वो कैसे अर्न कर सकते हैं, ठीक है, तो उनको भी पता लग जाएगा। सीन ये है, आपका चैनल मोनेटाइज होता है, ठीक है, यूट्यूब का जो रिक्वायरमेंट है ना, आप लाइक अपने एडसेंस के सारे जो वो होते हैं रिक्वायरमेंट्स होती हैं, टैक्स इन्फो होती है, एड्रेस होता है, बड़ा कुछ होता है, वो सारा आप फिल करते हो, ठीक है, आपका जो फर्स्ट पे आउट होता है वो होता है $100 का, $100 आपने किसी तरह कंप्लीट करने हैं तभी आपको पैसे मिलेंगे, अदरवाइज $100 से पहले आपको पैसे नहीं मिल सकते, कभी भी नहीं मिल सकते, ठीक है। तो आपने अपना $100 कंप्लीट किया, ठीक है, कंप्लीट करने के बाद ना जब आपका $100 कंप्लीट हो जाएगा, आपकी एडसेंस की वेरिफिकेशन और आपकी एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, वो यूट्यूब आपके एडसेंस अकाउंट में भेज देगा। एडसेंस अकाउंट कुछ भी नहीं, समझ लो कि साइट है, उसके अंदर आपके पैसे शो होते हैं, बस इतनी सी बात है, इससे नहीं मैं बस इससे डिटेल में नहीं करना, कन्फ्यूज हो गए। तो ठीक है, आपने अपना बैंक अकाउंट कनेक्ट किया, अब सुनो बात गौर से, हर महीने की ना 21 को ना 21 को मेरा ख्याल है, हाँ 21 ही बनता है, एडसेंस ना आपके जो आपकी जितनी अमाउंट होती है जो कि आपने एक मंथ में वो की होती है, क्या कहते हैं, अर्न की होती है $100, मैं जहाँ तक मुझे पता लगा मैं उसके साथ ही $100 जब मेरे, क्योंकि मेरा तो अभी फर्स्ट वो है था ना पे आउट, तो वो आपकी जो अमाउंट होगी ना वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर खुद ब खुद ही कर देगी, ठीक है, और 24 तक ना वो आपके पैसे आपके तक आ जाएंगे, ठीक है, सिंपल सा है, इस तरह और कोई इसमें बड़ी कोई वो नहीं है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, जो जो मेरी जितनी इनकम आई है ना ये लाइक मेरी वीडियोस से नहीं है, वीडियोस तो भाई बहुत कम पैसे है वीडियोस के, वीडियोस पे अगर मैं करने लगूं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि व्यूज अभी व्यूज कम है, लाइक 1000-2000 मैक्स 3000 आए मैं व्यूज, लेकिन जो ये जो भी इनकम थी ना ये बेसिकली तुम भाइयों के सपोर्ट की वजह से थी, सुपर चैट्स थी, आई गेस मेंबरशिप्स थी, काफ़ी कुछ था। बॉयज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं तुम लोग की चीज़ बता दूँ, तुम लोग के बगैर ये चीज़ नहीं पॉसिबल थी, ठीक है, नहीं पॉसिबल थी, क्योंकि भाई बाकी यार बड़ी बात है, मैं लाइक जितना खुश हूँ ना मैं मतलब बड़ी चीज़ है कि यार मैं जो मैं करना चाहता था मैंने उससे एक अर्न किया, और मैंने अपने मतलब पेरेंट्स को वो चीज़ दी, भाई एंड लेवल यार बहुत मतलब ना वो जो एक है ना वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता भाई। खैर एनीवे यार इसको बंद करते हैं यार, बस करते हैं यार, थैंक यू सो मच यार, बस वंस अगेन यार तुम जो जो भी देख रहे ना यार, थैंक यू सो मच यार, तुम लोग इंसेन हो यार, तुम लोग क्रेजी हो यार, मज़ा ही आ गया। अच्छा खैर एनीवेज बॉयज एंड स्पेंड करते, ठीक है, होपफुली यार जो तुम लोगों ने मेरा डीएम्स में सिर खाया हुआ था ना कितनी अमाउंट है क्या आएगी वो सब के मैंने आंसर कर दिए। एक बंदे ने मुझे लाइक काफ़ी बंदों ने पूछा था कि यार क्या प्रोसेस है, वो भी मैंने बता दिया, मेरा नहीं ख्याल है कुछ चीज़ रहती होगी, ठीक है। अब इसी तरह यार अब बॉयज कोशिश करेंगे यार इसी तरह ना हम कॉन्टेंट वगैरह बनाते रहें, ठीक है, इंशाल्लाह ऐसे एक्टिव रहें, और इस चैनल के ऊपर भी ना मैं कोशिश करूँगा कि ब्लॉग बनाता रहूँ जैसे मुझे कोई आइडिया आएगा, क्योंकि ना यार ब्लॉग के लिए आइडिया बड़े चाहिए होंगे, ब्लॉग्स नहीं बनाए जाते यार। अच्छा एक और चीज़ यार, इस चैनल के ऊपर थोड़ा सा दूसरे टाइप का कंटेंट है, लेकिन वो ना काफ़ी पुरानी मेमोरीज है, वो मैं कभी भी शायद प्राइवेट ना करूँ या डिलीट ना करूँ, वो मैं रहेंगी, प्लीज़ भाई प्लीज़ उसकी उसके ऊपर ना मुझे जज करना, खुदा का वास्ता जाके दूसरा कंटेंट देख लो, रिहान्स लाइफ सर्च करो मिल जाएगा, और जो जो उस चैनल से आ रहा है ना यार तुम लोग लव हो यार, कमाल यार, मज़ा ही आ गया, लव यू यार, कीप सपोर्टिंग, ठीक है, इसी तरह ना इंशाल्लाह अपलोड करते रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अभी के लिए ठीक है, भाई को इजाज़त दो, नीचे जो लाल बटन है वो ग्रे जरूर करना है, इसको लाइक ज़रूर करना है, जो जो तुम्हारे दोस्त थे ना जो कह रहे थे कि क्या है कितना है ये वो, उनको सारों को शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, सब्सक्राइब करे बगैर ही जाना, अल्लाह हाफिज़।